स्पाइसी, टैंगी, क्रंची और चीजी जैसे बर्गर को मिस ना करें। इस रेसिपी में खूब सारी टिप्स और ट्रिक्स का यूज करा है मैंने, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये बेल आइकन हिट कर दे ताकि कोई भी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले स्टेप में हम इसकी पैटी बनाते हैं। उसके लिए हमें कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल या घी का यूज कर ले। उसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून गार्लिक, इसमें डाल देंगे आधा कप बारीक कटा हुआ अनियन, थोड़ा सा सॉटे करने के बाद आधा कप बारीक कटी हुई कैरेट, आधा कप बारीक कटी हुई बीन्स। इनको 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि ये थोड़े से टेंडर हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। फिर डालेंगे थोड़े से पीस, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। इन सभी वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब पैटी बना रहे हैं और आलू ना हो ऐसा कैसे, तो यहां पे मैंने बॉईल करा हुआ ग्रेटेड आलू का यूज करा है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसके अंदर सारे स्पाइसेस, 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो एंड 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स। बट अभी हमें इस पैटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंग्रेडिएंट डालना बाकी है जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इस मिक्सचर को हम सेपरेट रख देते हैं। फिर अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 टीस्पून बटर और फिर डाल देंगे 1 टीस्पून मैदा। आप चाहें पाउडर्ड ओट्स का भी यूज कर सकते हैं। इन सभी को सॉटे कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा लाइटिश ब्राउन ना हो जाए या अच्छी सी मैदे की खुशबू आना ना चालू हो जाए, जब तक मैदे का रॉ फ्लेवर ना चला जाए। तो इसे सॉटे करने के बाद हम ले लेंगे आधा कप दूध और उसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मैदे के अंदर डाल देंगे और उसे जल्दी जल्दी मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना पड़े। जैसे ही बिल्कुल एक बॉल जैसा बन जाए तब हम अपने आलू वाले मिक्सर को इसके अंदर डाल देंगे। ऐसा करने से ये जो पैटी है अमेजिंग टेस्ट करेगी और इसमें एक बाइंडिंग भी आ जाएगी। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब एक बोल ले लेंगे जिसके अंदर लिड लगती हो, उसके अंदर हम इस मिक्सचर को प्रेस करके फिल कर देंगे और ये जो बोल है हम फ्रीजर में रख देंगे अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, ये जो पैटी है वो बिल्कुल फर्म हो जाएगी और उसे हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इस पैटी के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे ब्रेड क्रम्स, जिसके लिए हमने 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड को मिक्सी में डालकर चर्न कर दिया और रेडी है हमारे ब्रेड क्रम्स। अब बर्गर को जो सबसे टेस्टी बनाता है वो है या टैंगी और स्पाइसी सॉसेस, जिसके लिए सबसे पहले बनाएंगे हम मिंट मेयो। मिक्सी में डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और एक हरी मिर्ची। अच्छे से इसे चर्न कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून मेयो। फिर से इसे चर्न कर लेंगे। तो रेडी है हमारी क्रीमी और बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी भी ये मिंट मेयो। अब टैंगी मेयो भी बनाना बनता है, तो उसके लिए हमें लिया है 2 टेबलस्पून मेयो और 2 टेबलस्पून केचप, चाहे तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अमेजिंग सा टेक्सचर और अमेजिंग सा कलर आ गया है इसका। तो हमारी ये टैंगी मेयो भी रेडी हो गई। अब जो हमारी जो पैटी है वो क्रिस्पी कैसे हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए एक स्लरी, जिसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून मक्की का आटा। अगर नहीं हो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत ही क्रंची बनती है हमारी पैटीज। साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट
और थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑयल। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। इस स्लरी की कंसिस्टेंसी ना तो ज्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज्यादा पतली। अगर ज्यादा थिक हो गई तो हमारी पैटी है वो सुपर क्रंची बन जाएगी, और ज्यादा पतली हो गई तो बिल्कुल भी क्रंची नहीं बनेगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। 15 मिनट के बाद मैंने ये फ्रीजर से ये बॉक्सेस निकाल लिए हैं। अब इसे मैं डीमोल्ड करती हूं। नाइफ की हेल्प से इसकी एजेस को रिलीज कर देंगे, फिर इसको टर्न कर देंगे और हमारे ये पूरा मिक्सर बाहर आ जाएगा और बिल्कुल पैटी की शेप की जैसा है। अब आप इसे दो पीसेस में डिवाइड कर दीजिए और आप चेक करके देख सकते हैं कि आपके बर्गर का साइज और इस पैटी का साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। तो अब हम अपने ब्रेड क्रम्स के अंदर थोड़ी सी ग्रेट करी हुई गार्लिक को डाल देंगे। उससे जब हम इसे फ्राई करेंगे या इसे शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। चाहे तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसके एजेस को परफेक्ट करके हम इसे इस स्लरी में डिप कर देंगे। स्लरी में डिप करने का जो तरीका है वो जरूर से चेक करिए, हाथ भी खराब नहीं होंगे और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये कोट हो जाएगी। तो यहां पर मैंने इस तरह के मैशर का यूज करा है। आप चाहें तो वो पोटैटो मैशर जो होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। उसे इसे पैटी पे ऐसे रख दें, फिर इस तरह से ऐसे डिप करें, फिर मैशर की हेल्प से ही इसे इस तरह से निकाल लेंगे और थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे ताकि इसकी एक्सेस स्लरी सभी निकल जाए। अब इस पैटी को ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल कर लेंगे अच्छे से, साइड से भी इस तरह से व्हील की जैसे रोटेट कर लेंगे ताकि साइड में भी हमारे ब्रेड क्रम्स लग जाएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों पैटी रेडी करके रखी हैं। अगर 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी। इस तरह की बनने के बाद आप इसे बॉक्स में डालकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिसके लिए मैंने अनियंस को 5 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख दिया ताकि उसका जो पंजेंट सा फ्लेवर है वो चला जाए। और टमेटोस कट कर लिए हैं। सेम तरीके से आइस कोल्ड वाटर में लेटस को भी डिप कर दें। हमारी मिंट मेयो भी रेडी है और हमारी चिली मेयो भी रेडी है। तो चलिए अब इसे शैलो फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो पैन में थोड़ा सा ऑयल को ब्रश कर लेंगे अच्छे से सभी तरफ और फिर इस पे हमारी पैटीज को रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे प्रेस करके सेक लेंगे और फिर इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। हमने फ्राई भी नहीं करा बट फिर भी ये बहुत ही क्रिस्प है। बस अब हम बंस को थोड़ा सा बटर लगा के टोस्ट कर लेंगे ताकि अंदर से थोड़े क्रंची रहे। फिर इसे अब हम असेंबल करते हैं। तो असेंबलिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान है बट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये हैं कि हमें कौन सी चीज को कहां पर लगाना है। तो रेडी है हमारा चटपटा सा, टैंगी सा, मस्त सा, चीजी सा, बच्चों और बड़ों का फेवरेट बर्गर। तो जल्दी से इस रेसिपी को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो जल्दी से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।